देखो, जिस तरह से भाजपा बौखलाई गई है, पूरी भाजपा अरविंद जी को और उसकी टीम को किस तरह से डैमेज किया जाए, तानाशाह को एक ही चीज अभी खूंच रही है और वो है अरविंद जी और उसकी टीम। माननीय संजय सिंह जी संसद से लेकर सड़क तक जो आवाज उठाते थे, वो उद्योगपतियों के खिलाफ की आवाज हो, मणिपुर की आवाज हो, जनता की आवाज हो, तो स्वाभाविक तौर पर संजय सिंह जी को ग्रिप में लेने के लिए प्रयास तो कब से चल रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, पिछले 15 महीने में तथाकथित शराब घोटाले में तकरीबन विविध एजेंसियां हजार जगहों पर उन्होंने रेड डाली, सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ मिला नहीं, मिलने वाला भी नहीं है। संजय सिंह जी के यहां पे भी कुछ मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। आपने देखा होगा, मनीष जी के यहां कुछ मिला नहीं, लोकल में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन अरविंद जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मोदी जी बौखला गए हैं और उनका ये डर है, और इसलिए ईडी का उपयोग करके संजय सिंह जी की जो धरपकड़ की गई है, आम आदमी पार्टी का एक एक सैनिक इसके सामने झुकने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जितना ये तड़पाएंगे उतनी मजबूती से हम लड़ने वाले हैं। भाजपा के लोगों का ये कहना है कि आपकी तरफ से दावा भले ही किया जा रहा हो कि इसमें अब तक कुछ मिला नहीं है और बेबुनियाद आरोप है, लेकिन अगर ऐसा है तो भाजपा का सवाल यह है कि मनीष को जमानत क्यों नहीं मिल रही और बाकी जो लोग गिरफ्तार उनकी जमानत क्यों नहीं मिल रही। और भाजपा ने अब आगे बढ़ के ये भी कहा है कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उनके जो को एक्यूज हैं उनके बयान के आधार पर संजय सिंह के यहाँ छापा भी पड़ा और गिरफ्तारी भी हुई है। मुझे बहुत ही तरस आती है भाजपा वालों में। उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई ईडी ईडी ने क्या सबूत दिए अदालत में, बताओ। उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है, मनीष जी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, स्वाभाविक तौर पर। और दूसरा कि ईडी का भाजपा के कहीं राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में कहीं गए क्या? शराब घोटाले, तथाकथित शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, गुजरात में तो मैंने देखा है 150 से ज्यादा शराब कांड, जहरीली शराब कांड में मर गए हैं, कोई ईडी नहीं आई है। यहां ड्रग्स हजारों करोड़ के पकड़े गए, कोई ईडी नहीं आई। यहां पे कितने ब्रिज टूट गए, कोई ईडी नहीं आई। इनको भ्रष्टाचार से प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम माननीय अरविंद जी से है, माननीय संजय सिंह जी से है, जिस तरह से आवाज उठाते थे। लेकिन भाजपा वाले ये भी कान खोल कर सुन ले कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। भाजपा का आरोप लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो फिर भी उठेगी ना कि मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत क्यों नहीं हो रही, सत्येंद्र जैन को आखिर जमानत क्यों नहीं हो रही। क्या लगता है आपको, अदालत के सामने ऐसी क्या चीजें रखी जा रही हैं, क्या दलीलें हैं जहां आम आदमी पार्टी के नेता कमजोर पड़ रहे हैं जमानत पाने नहीं? में? देखिए, अब जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया है, ईडी में आप किसी की आपकी भी कल धरपकड़ कर ले तो 5-6 महीने 8 महीने तक यूं ही डाल देंगे जेल में। तो ये जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही घातक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। आपने देखा होगा, मणिपुर के शब्द नहीं बोल रहे, संजय सिंह जी ने मणिपुर के लिए आवाज उठाई, उनको संसद से सस्पेंड कर दिया गया। क्या है, अब भाजपा के तो गालियां दे रहे हैं सांसद, उसको कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन राघव चड्ढा जी को सस्पेंड कर देना, आपने देखा होगा दिल्ली में 7 साल में क्या कितने काम हुए यार, यहां 27 साल में भाजपा ने, 28 साल हो गए गुजरात में, कुछ नहीं हुआ है। एक एक स्कूल भी टेंट की बनवानी पड़ी प्रधानमंत्री को, जहां खुद 12 साल सीएम रहे। तो ये भाजपा की जो बौखलाहट है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और ये भी सोच ले कि ईडी के जो चीफ की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लपड़ाक लगाई थी वो भी भाजपा वालों को याद होगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन भाजपा वाले जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, अगले 6-7 महीने हैं उनके पास, जितनी ताकत लगानी है लगा लें, लेकिन कान खोल के सुन ले कि उनके घर पे जब छापा पड़ेंगे ना, तब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। देश भर में जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी की यूनिट्स हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। गुजरात यूनिट की क्या तैयारियां हैं संजय सिंह की? गुजरात यूनिट भी विरोध करेगा, हम भी आवाज उठाएंगे। और मैंने कहा ना कि संसद से लेकर सड़क तक
कहीं पे भी, हमारे असेंबली में भी आवाज उठेगी। और देखो एक चीज बहुत गुजराती और भारत की जनता भी जान ले कि अडानी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी तो वो संजय सिंह जी की थी। उन्होंने संसद में जिस तरह से उड़ाला, कोयले के खदान, एयरपोर्ट हो, ट्रेन हो, सब कुछ बेच दिया उद्योगपतियों को, तो स्वाभाविक तौर पर संजय सिंह जी भाजपा को और खासतौर पर मोदी जी को आंख में खोंच रहे थे। और इसी के चलते हुआ है हम भी विरोध करेंगे।